अरुणाचल प्रदेश में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प ने एक बार फिर एलएसी पर तनाव को बढ़ा दिया है। पिछले शुक्रवार यानी 9 दिसंबर को हुई इस भिड़ंत में दोनों तरफ के सैनिक घायल हुए हैं। भारतीय घायल जवानों को गुवाहाटी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सैन्य सूत्रों ने सोमवार को जानकारी दी कि भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों के घुसपैठ के मंसूबों को नाकाम कर दिया, जिसके बाद भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी संसद में इन दोनों सेनाओं के बीच हुई झड़प और भारतीय जवानों की जीत पर मुहर लगाते हुए बयान जारी किया। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रूप्स ने तमांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि ये झड़प अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी भाग में तवांग से करीब 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व में यांगसे क्षेत्र में एलएसी के विवादित हिस्से पर हुई। फिलहाल इसमें किसी के जान गंवाने की खबर सामने नहीं आई है। भारत के जवाबी हमले के बाद फ्लैग मीटिंग हुई और मसला शांत हुआ। विवाद वाली जगह से फिलहाल दोनों ही देशों की सेनाएं हट गई हैं। इससे पहले साल 1975 में तवांग में विवाद हुआ था, तब भारत के 4 सैनिक शहीद हुए थे। इस क्षेत्र में दोनों सेनाएं कुछ हिस्सों पर अपना अपना दावा ठोकती आई हैं। साल 2006 से विवाद लगातार जारी है। ऐसे में आपको बताते हैं क्यों खास है यांगसे की चोटी। अरुणाचल प्रदेश के तवांग के यांगसे क्षेत्र में भारत और चीनी सेना का आमना सामना पहले भी हो चुका है। अक्टूबर 2021 में भी पीएलए के सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की थी। चीन का मकसद यांगसे की 17,000 फुट की ऊंची चोटी पर चढ़ना और वहां कब्जा करना है। इस चोटी से एलएसी के दोनों ओर का कमांडिंग व्यू मिलता है। इससे बॉर्डर के दोनों तरफ निगरानी करना आसान हो जाता है और किसी भी गतिविधि या आवागमन पर नजर रखी जा सकती है। फिलहाल चोटी और उस तक पहुँचने वाले रास्तों पर भारत का अपनी ओर से पूरा नियंत्रण है। आपको बता दें, राजनीतिक रूप से भी ये चोटी बेहद अहम है। चीन की नज़र इस 17,000 फुट की ऊंची चोटी पर है, जिस पर कब्जे का वो बार बार प्रयास कर रही है। यांगसे क्षेत्र में हुई हालिया झड़प भी ऐसा ही एक प्रयास था। 2 साल पहले गलवान घाटी की झड़प में भारतीय सेना के 20 सैनिक शहीद हो गए थे। साल 1967 में नाथुला में भारत और चीन के सैनिक भिड़ गए थे। उस खूनी झड़प में भारत के 88 सैनिक शहीद हुए थे। वहीं चीन के 300 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। हालांकि चीन ने अपने सैनिकों की मौत को वैश्विक रूप से स्वीकार नहीं किया था। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच मिलिट्री लेवल पर एक समझौता है। इसके तहत दोनों देशों के सैनिक एक तय दायरे में फायरिंग आर्म्स यानी राइफल या ऐसे ही किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अमूमन दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे को हाथों से ही पीछे ढकेलते हैं। गलवान झड़प में चीनी सैनिकों ने कांटेदार डंडों का इस्तेमाल किया था। इसके बाद भारतीय सैनिकों ने भी इसी तरह के इलेक्ट्रिक बैटन और कांटेदार डंडों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। लिहाजा इस बार चीन को भी मुंह तोड़ जवाब मिला है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।